गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल का जो ट्रॉफी प्रैक्टिकल का टॉपिक को यहाँ समझेंगे बनाने के लिए, वो है सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन या एक मानक अक्षांश के साधारण शंकु प्रक्षेप, इसको हम लोग समझ रहे हैं। बोर्ड पर ये प्रश्न दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल विथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप बनाए, इसमें मापनी दिया हुआ है 1:25/60, जिसमें मानक अक्षांश लेना है 45 डिग्री उत्तर और क्षेत्र विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में और इसका अंतराल लेना है 15 डिग्री। तो समझ, पृथ्वी का जो रेडियस है वो निकालना पड़ता है। आपके सामने मापनी दिया हुआ है तो इसको हम लोग निकालेंगे। पहले रेडियस यानी आर निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे? आर ये निकालेंगे कि हमें मालूम है कि जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है वो आपको याद रखना होगा, ये आपको सेंटीमीटर में मालूम है। और आरएफ जो दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है 1:25/60। और जब इसको आप देखेंगे तो ये होगा 5.08 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप तो ये है कि रिड्यूस आर निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको जो करना है वह है कि इस डिस्टेंस का यानी 5.08 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का आपको एक चाप लेना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, आप स्केल में इसको आप देखेंगे 5.08 यानी 5.08 यानी वो 5.1 से थोड़ा सा कम होगा लगभग। तो आप इस दूरी का आप एक चाप लेंगे सबसे पहले, यानी जो भी आपका ये वैल्यू निकलेगा उस दूरी की आपको एक चाप लेना है। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर इस दूरी के एक चाप लेंगे। जिसको कि आप एक लाइन से इसे मिला लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट जो था उससे आप इसको मिलाएंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसमें एक 5.08 का एक चाप लेंगे। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप इसको प्रकाल से बना लें या फिर आप इसको जो है सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको बना सकते हैं सीधे। तो सेट स्क्वायर की सहायता से मैं यहाँ इसको बना रहा हूँ। तो ये 5.08 का जो चाप था इसके केंद्र से इस पर एक 90 डिग्री के लगभग में, यानी 90 डिग्री ये आपका बनेगा जब इस लाइन को मिलाएंगे और इधर इस लाइन को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है कि जो हमारा अंतराल दिया हुआ है, अंतराल कितना का दिया हुआ है? अंतराल दिया हुआ है हमें 15 डिग्री का। तो अब प्रोटेक्टर यानी चांद की सहायता से अब 15 डिग्री का एक कोण बनाएंगे इस पर, 15 डिग्री का कोण। या तो आप छोटा वाला प्रोटेक्टर का प्रयोग करें या इस तरह से बड़ा वाला प्रोटेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं।
किसी का भी आप करें तो यानी चांद की सहायता से आपको 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप देखिए यहाँ 10 है और ये 20 के बीच में ये 15 है, ये पॉइंट में यहाँ मैंने इसे रख दिया। अब इसे स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे, स्केल की सहायता से आप इसको मिला लीजिए। ये बन गया 15 डिग्री का कोण। ये जो कोण बना, ये कोण आप देख पा रहे होंगे, ये 15 डिग्री का बना। इसका कुछ भी नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए इसको कर देते हैं ओ और ये ए, और इसको रख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं सी। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब इसके बाद जो आपका मानक अक्षांश है यानी स्टैंडर्ड पैरेलल है उसका आप ड्रॉ करेंगे। स्टैंडर्ड पैरेलल आपका दिया हुआ है, ये है 45 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्टर की सहायता से ही इस जो चाप आपने बना रखा है उस चाप पर आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप देखिए 45 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, जो 45 डिग्री का जहाँ मिल रहा है यानी कि 30, 40, 50 और इसके बीच में 45, ये 45 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री का जो मिला इसको आप फिर स्केल की सहायता से इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। इसका कुछ भी कोई अलग नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी, ये डी। डी पॉइंट पर यानी ये जो एंगल है, ये एंगल ये 45 डिग्री का बन गया, ये 45 डिग्री का, और ये था 15 डिग्री का। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें आपको करना क्या है कि ये जो आपने ले रखा है इसमें आप ये जो ए बी लिया आपने, ए बी के चाप के बराबर, ए बी के चाप के बराबर आपको एक चाप खींचना है, वो ओ पर एक चाप खींचना है ए बी के बराबर। ए बी जो भी दूरी है उसके बराबर आपको एक चाप ओ पर खींचना है, इस तरह से। ये ए बी के बराबर था, देखिए ए बी के बराबर, ये जो 15 डिग्री वाली। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो 45 डिग्री पर जहाँ ये पॉइंट कट रहा था, इस पॉइंट पर इसमें आपको एक ये जो ओ सी है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप परपेंडिकुलर लाइन को आप इसी सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सीधे आप ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन इधर इसको मिलाते हुए, ये लाइन को मिलाते हुए करेंगे और ये जो जहाँ पॉइंट मिल रहा है इसके पास आप इस तरह से लेके जाएंगे। अब देखिए एक बात और ध्यान आपको रखना है, ये जो पेंसिल का जो टिप है ये जितना ही शार्प होगा उतना आपको प्रिसाइज वैल्यू या मान मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मोटा इसका टिप हो गया है ताकि आपको दिखाई पड़े, लेकिन आपको प्रिसाइज रखना है। तो इस पॉइंट पर ये जो 45 डिग्री वाला था, इस पॉइंट पर इसका कुछ नाम अलग कर देते हैं, मान लीजिए इसका नाम कर देते हैं पी और इसका नाम कर देते हैं क्यू। ये पी क्यू एक ड्रॉ किए जो इस पर 90 डिग्री का है यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ठीक है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद आपको अब क्या करना है, ये आपने कर रखा है, ये जो ओ ए था, ओ ए ये कितना था 5.08, जो आपने रिड्यूस आर के बराबर चाप लिया था वो लिया, इस पर ये 15 डिग्री का पहले कोण बनाए प्रोटेक्टर की सहायता से, और फिर इसी पर जो हमारा मानक अक्षांश है उसका एक एंगल बनाए 45 डिग्री का, इसको मिलाए। अब इसके बाद का स्टेप था जो ए बी चाप के बराबर इस ओ बिंदु पर एक चाप ड्रॉ कर लिए, और ये जहाँ
मानक अक्षांश पर यानी OD पर जिस पॉइंट पर कटा इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं OC पर, तो ये PQ ड्रॉ कर लिए। इतना करने के बाद अब जो अगला स्टेप है वो है आपको करना क्या है कि इसमें अब आपको जो कॉनिकल सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल वो ड्रॉ करेंगे। हम आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है, तो चलिए करते हैं। अगला जो स्टेप है वो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया है स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि आप ये जो डी पॉइंट था, इस डी पॉइंट पर आपको करना क्या है कि इस डी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस डी पॉइंट पर देखिए, ये जो डी पॉइंट, ये लाइन जो जा रहा था ओडी लाइन, इस लाइन को है ना, इस लाइन पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पहले कैसे करेंगे, तो फिर आप इसी प्रोटेक्टर की सहायता लें और इसको, इसके जो टिप है, ये जिस पॉइंट पर कट रहा है डी पॉइंट पर, यहाँ इसका कॉर्नर इसका रखें और ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको इसके सीधे में रखना है और इस पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से लाइन। जो ये ओ सी लाइन है इस ओ सी लाइन को किसी बिंदु पर काट रहा होगा, ये मान लीजिए एच पर काट रहा है, सपोज करें एच पर काट रहा है। अब आपको करना क्या है, ये जो एच डी लाइन आया है एच डी, इस एच डी के बराबर आपको एक चाप लेना है, ये ले लिए, इस चाप के बराबर अपने आपने जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के किसी पॉइंट पर आप रख के, इस पॉइंट पर आप रखें और एक इस पॉइंट से आप एक चाप ड्रॉ कीजिए। ये जो आप चाप ड्रॉ किए ये 45 डिग्री एंगल का बना और ये कहाँ से बना, ये बना ये पॉइंट, इसका कोई कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सपोज कीजिए पी, जो कि पी पॉइंट से, यानी ये एज्यूम्ड जो पोल है ये दर्शा रहा है, हालांकि हम लोग कॉनिकल प्रोजेक्शन में पोल को नहीं दर्शा पाते हैं, लेकिन फिर भी एज्यूम मतलब माना हुआ पोल को हम लोग दर्शाते हैं। और इस पोल से ये जो एंगल हुआ ये 45 डिग्री का हुआ, ये 45 यानी हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल, यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको, 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का हो गया। अब आपको जो है दिया हुआ है कि विस्तार, वो विस्तार था आपका प्रश्न में, आप देखिए 0 से 75, तो थोड़ा सा आपको और कैलकुलेशन करना है। 0 से 75 तक अगर आप जा रहे हैं, 0 से 75 तक, ये नॉर्थ लैटिट्यूड में 0 से 75 है ना, ध्यान दीजिए 0 से 75 जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, पहले 0 होगा, फिर 0 से और आप आगे जाएंगे तो 15 डिग्री होगा, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 75, ये आपका अंतराल हुआ है, यानी इतना आपको लैटिट्यूड दिखाना है ना, 15-15 डिग्री के अंतराल पर ले रहे हैं, तो हम लोग 45 का अभी हमने स्टैंडर्ड पैरेलल ड्रॉ किया, तो अब 45 से ऊपर अगर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, तो 60 और 75 होगा, और अगर इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो 30 होगा, 15 होगा, फिर 0 होगा। तो इसी तरह से आपको
ये जो आपने ड्रॉ किया है इसमें आपको जाना है। तो वो कितना अंतराल पर लेंगे, वो हमने 15 डिग्री का अंतराल जो लिया है हमने, वो है ये जो AB है, AB चाप है, ये आपको अक्षांश पर 15 डिग्री का अंतराल को दिखा रहा है, ये AB। तो इसी AB के बराबर, इस AB के बराबर आप ये 45 डिग्री पर से आप आगे पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 45 के बाद जाएंगे तो 60 होगा, और उसके बाद दूसरा जाएंगे तो ये 75 होगा। इतना आपको दिखाना है इधर पोल की तरफ, और इक्वेटर की तरफ कितना जाएंगे हमने वहाँ कैलकुलेट किया है। एक तो है 45 से नीचे जाएंगे तो जाएंगे हो जाएगा 30, 30 से और 15 डिग्री नीचे जाएंगे तो हो जाएगा 15, और 15 से नीचे जाएंगे तो हो जाएगा 0। यानी आपको इतना दिखाना है 0 से लेके 75 तक, तो इतना चाप आपको बनाना है। अब ये जो आपने पॉइंट किया है अलग अलग, इसी के बराबर आपको चाप लेना है। इसके बराबर कहाँ से लेंगे, आप पी पॉइंट से, आप सबका इसके बराबर बराबर चाप आप ले लेंगे, तो ये सभी अक्षांश को दर्शाएगा। ये 75 डिग्री का दिखा रहा है, फिर इसके बाद आप इसके बाद जो इधर 60 डिग्री का लिए थे, ये 60 डिग्री के बराबर चाप दिखाएगा। आप प्रोसेस को ध्यान से देखिए, आप हो सकता है कि इसमें पेंसिल का थोड़ा टिप मोटा पतला होने के कारण से आगे पीछे हो, लेकिन आप प्रोसेस समझ रहे होंगे तो आप बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया उसके बाद 30 का, 30 के बाद ये हो जाएगा 15 का। इस तरह से आपको बड़ा बड़ा चाप ड्रॉ कर लेना है, ये आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया अक्षांश का। अब देशांतर आए, देशांतर के लिए हम क्या करेंगे कि देशांतर के लिए आपको दिया हुआ देशांतर का भी कहां से कहां जाना है, तो उसमें देशांतर में दिया हुआ, देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री वेस्ट से, है ना, वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट तक आपको जाना है, पूर्वी देशांतर 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो आप क्या कैसे करेंगे, और आपको अंतराल लेना है 15-15 का, तो आप चलिए पश्चिम से चल रहे हैं पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम, किधर से भी आप जा सकते। तो अगर आप 60 से चल रहे हैं, 60 से वेस्ट से चल रहे हैं, तो इससे 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, सब वेस्ट में है, ये वेस्ट है, फिर और 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, और 15 घटाएंगे तो 15 डिग्री वेस्ट, और 15 घटाएंगे तो 0 डिग्री, यानी ये प्राइम मेरिडियन पहुंच गए 0 डिग्री। फिर इससे और आगे बढ़ते हैं, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ये सब ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, फिर 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो आपने बनाया है ना देशांतर का, इसमें आपको जो बीच का पॉइंट हो, जो बीच का देशांतर होगा, उसको हम सेंट्रल मेरिडियन लेंगे, मध्य देशांतर लेंगे। कैसे लेंगे, तो अभी इसमें देखते हैं इसका सेंटर कौन होता है, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी 9 के बीच में आप देखिए कि ये जो 0 आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये दिया हुआ रहता 60 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री ईस्ट, तब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर नहीं होता, तो आप मान सकते थे ये, मतलब 0 और 15 के बीच में दोनों में से किसी एक को मान सकते थे सेंट्रल मेरिडियन, लेकिन यहाँ इस तरह से दिया हुआ है कि बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो ये जो हमने लाइन खींच रखा है, इसको मान लेते हैं ये 0 डिग्री का है, ये 0 डिग्री दर्शा रहा है, यानी सेंट्रल मेरिडियन को दर्शा रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन में आ रहा है, इसी को हम सेंट्रल मेरिडियन मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये आप लाइन खींच रहे हैं, ये कौन सा देशांतर दर्शाएगा, ये निर्भर करेगा कि आपका वहाँ कौन सा सेंट्रल मेरिडियन में आप ले रहे हैं उसे, ठीक है। ये हो गया।
अब आप इसमें 15-15 डिग्री कैसे आप बढ़ेंगे, किधर जाएंगे, कौन सा दूरी को आप लेंगे? तो आपको याद होगा कि ये जो ए बी चाप 15 डिग्री का अंतराल है, लेकिन ये देशांतर का है, सॉरी ये अक्षांश का है। देशांतर के लिए हमने क्या किया था कि ये जो देशांतर का लाइन 45 डिग्री का आया था, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पी क्यू, आपको याद होगा ये पी क्यू। ये क्यों ड्रॉ किया? ये इसलिए ड्रॉ किया, हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर में, अक्षांश और देशांतर का अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये अगर देशांतर, ये अक्षांश है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके इसका ठीक वर्टिकल लाइन जो दिखाएगा वो देशांतर को दिखाएगा, यानी कि इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक यही प्रोसेस को हम लोग सी को यहाँ फॉलो किए हैं। ये अगर अक्षांश को दर्शाया ये लाइन, तो इस पर अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो देशांतर को दर्शाएगा, तो हमको ये दूरी लेना है देशांतर के लिए पी क्यू के बराबर। ठीक है, ये पी क्यू का जो भी डिस्टेंस आएगा इसके बराबर ये, यानी 15 डिग्री अंतराल को दिखा रहा होगा देशांतर पर। तो अब देखिए, ये हमने चाप ले लिया ये पी क्यू के बराबर, वहाँ ए बी के बराबर लिए थे, कम है ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि ए बी के बराबर ही इधर ले रहे हैं, तो पी क्यू के बराबर। अब हम इसको सेंट्रल मेरिडियन में, जो सेंट्रल मेरिडियन सॉरी सेंट्रल मेरिडियन से ये जो स्टैंडर्ड पैरेलल है इस पर अब हम लोग बढ़ेंगे। कैसे? ये तो जीरो डिग्री था, अगर वेस्ट के तरफ जाएंगे तो इसी तरह जाएंगे, ये 15, फिर 15 के बाद 30, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, ये हो गया। ठीक उसी तरह से अगर इधर पूर्व की तरफ इसके नए तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट को दिखाएगा, तो ये 15, ये 30, ये 45 और ये 60। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा भी तो किया जा सकता था कि ये जो हम चाप लिए किसी भी अक्षांश पर इसको कर सकते थे? नहीं, ऐसा करने से उसमें जो प्रोजेक्शन है वो सही नहीं बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन पर आपने, क्योंकि इसने ये जो आपने लिया है, ये जो 90 डिग्री आपने रखा, ये स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड पैरेलल पर आपने किया है, तो स्टैंडर्ड पैरेलल पर आपने ये दूरी ली है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड पैरेलल पर ही जो 45 डिग्री का था इसी पर आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी पर भी कर सकते हैं, ये अंतर हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से हमने यहाँ ले रखा है ग्राफिकल मेथड में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड पैरेलल आएगा उस स्टैंडर्ड पैरेलल पर ये जो पी क्यू की दूरी था इस पर ये दूरी को दर्शा रहा है। अब अगला स्टेप जो है, ये हमने जब कर रखा है, ये सब पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, ये सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने जब दर्शा लिया, ये लैटिट्यूड को दर्शाए, ये लॉन्गिट्यूड को, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है, ये जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट से मिलाते हुए, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन अब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जब आपने मिला लिया तो अब आप इसको मार्क कर दीजिए। आप क्या किए, ये जीरो डिग्री था, इस तरह से आप इसमें लिखते चले जाएंगे 60 डिग्री वेस्ट, ये दर्शा दिया आपने लॉन्गिट्यूड को। अब ये आप जो इधर बना रखा है लैटिट्यूड, इसको भी लिख दीजिए आप, ये था जीरो डिग्री, ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब आप दर्शा लिए तो इसमें आपको दिखाना होगा, ये आपने ये 45 डिग्री वहाँ उस समय याद रखने के लिए इस में हमने लिखा था, इसको आप यहाँ रख मिटा दीजिए और इस पर आप लिख दीजिए
स्टैंडर्ड पैरेलल और ये बीच में सेंट्रल मेरिडियन, ये सेंट्रल मेरिडियन, ये आप कर दिए। अब इसमें आप हेडिंग लिख, इसका कर लिख दीजिए और दूसरा है इसका। अब इस तरह से इसमें जो एक्स्ट्रा जो बाहर गया है इसमें मिटा के, और इसमें एक प्रॉपर हेडिंग जैसे सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और इसमें आपको आरएफ लिखना है जो है आपको दिया हुआ है 125 पर ट्रिपल 60 दिया हुआ है। और दूसरा आपको यहाँ एक डायरेक्शन दिखा देना होगा जो इधर आप इसमें दिखा रहे हैं कि ये नॉर्थ है और इधर ईस्ट। इस तरह करके आप कंप्लीट हो गया, ये आपका सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे अपना कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि इसमें पता चल पाए कि आपको कहाँ कठिनाई हो रही है, जिससे कि उसे क्लैरिफाई किया जा सकता है। सर, थैंक यू।